हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और ये अभी सुबह का टाइम हो रहा है और करीब हो रहा है 10:30 का टाइम। और यहाँ पे मैं नहा धो करके अभी पूजा करने जा रही थी, तो मैं तैयार हो रही थी। और ये वीडियो है एकादशी का, उस दिन है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह के दिन में सुबह सुबह पहले मैं तैयार हो रही थी, क्योंकि शाम को वैसे पूजन तो शाम को करते हैं। और यहाँ पे मैं भी नॉर्मली जैसे घर में डेली पूजा होता है वैसे मैं पूजा करूँगी। और थोड़ा सा मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया था, और उसके बाद मैं भी आप लोग को लेके चलती हूँ मंदिर में, जहाँ पे मैं पूजा करूँगी। और तैयार हुआ होने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी सुबह के टाइम पे मैं पूजा कर रही हूँ। और जब मैं अभी मंदिर की सफाई वगैरह दिया बाती की तैयारी कर रही हूँ, तब तक भव्या भी आ गई है और बोल रही है मम्मी मैं घंटी बजाऊंगी। तो भव्या घंटी बजा रही है। और पूजा करने के बाद मैं सीधा आप लोग को शाम का वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि दिन में मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और पूजा मैंने यहाँ पे कर लिया है, मैं एक बार आप लोग को मंदिर दिखाती हूँ पूजा करने के बाद। और उसके बाद सुबह में मैं बनाई थी आलू के पराठे, तो वो मैंने किया है नाश्ता, मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। और आलू के पराठे की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। और ये थोड़े से फ्रूट्स रखे हैं मेरे पास, और यहाँ पर मैं ये मेरे पास साग रखा हुआ था, तो ये मैं गर्म कर रही हूँ। और इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी, और उसके बाद में अब मैं आप लोग को रात का वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि रात में तुलसी पूजन किया था मैंने, तो मैं भी आप लोग को दिखा। और यहाँ पे हो गया है शाम, मैं आ गई हूँ यहाँ तुलसी पूजन के लिए। और ये गन्ने लाए हैं हमने, गन्ने का जैसे मंडप बनता है वैसे तो पूरे मंडप कम से कम 4 होने चाहिए, बट बहुत अजीब से गन्ने मिल रहे थे, अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो 2 ही मैं मंगवाई थी। और यहाँ पे मैंने मंडप के जैसे गाड़ दिया है गन्ने को, और यहाँ पे तुलसी माता को पहले बांध करके, और फिर मैं चुन्नी उढ़ाई हूँ, एक चुन्नी उनके नीचे जड़ में बांधा है। और यहाँ पे शालिग्राम भगवान बना करके, और जो मूली होता है मूली से मैंने जो कहते गठबंधन वो गठबंधन करके, और बाकी सब में जैसे नॉर्मली पूजा करते हैं वो मैंने पूजा किया है। और फिर मैंने यहाँ पे सिंदूर भी लगाया, बिंदी भी, और उनकी चूड़ी भी लाई थी, वो सब भी मैंने चढ़ाया, क्योंकि जब से ये तुलसी माता लगाई हूँ तब से मैंने सिंदूर नहीं चढ़ाया था, क्योंकि ये तुलसी माता का विवाह नहीं हुआ था। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ सिंदूर और बिंदी और चूड़ी ये लाई थी सिंगार के सामान में, और चुन्नी लाई थी, चुन्नी मैंने पहले ही उड़ा दिया है। और जब पूजा कर रहे थे तो 2-3 लेडीज जो थी यहाँ पे खड़ी थी पास में, सब लोग देख रही थी, और उसके बाद सब लोग प्रणाम भी करी हैं, और सबको फिर मैंने प्रसाद भी बांटा है। और पूजा करने के बाद मैं आप लोग को दिखा रही हूँ एक बार कैसे यहाँ पे मैंने पूजा किया है, वो व्यू दिखा रही हूँ। और पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो किचन में मैं कुछ ऐसा रिकॉर्ड करने वाला था नहीं, मैं नॉर्मली वही खाना बनाई थी, दाल चावल चोखा, तो मैं आप लोग को एक बार दिखा दे रही हूँ।
आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे ख़त्म, तो चले मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।